नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनतेरस, धन को 13 गुना ज़्यादा बढ़ाने वाला दिन। इस दिन किया गया कार्य लंबे समय तक साथ देता है, इसीलिए जो भी करें अच्छा करें, शुभ करें। कोई भी वस्तु की खरीदारी करें तो शुभ करें, और साथ ही कोई भी ऐसा काम ना करें कि आपका पीछा ही ना छोड़े। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं और अमावस्या तिथि को दीपावली और माँ लक्ष्मी का पूजा का दिन। तो आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। धनतेरस के दिन वो कौन सा फल है जो जरूर लाना चाहिए, क्योंकि इस फल से सीधे तौर से माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर खरीदारी का शुभ दिन धनतेरस होता है, इस दिन बहुत सारे लोग सोना, चांदी, धातु, यहाँ तक कि दीपावली के पूजा के हर सामान की खरीदारी करना भी पसंद करते हैं। और इस दिन खरीदा गया सामान लंबे समय तक, और हमारा शास्त्र कहता है कि 13 गुना ज़्यादा फल देता है, इसीलिए इस दिन अच्छी चीज़ें खरीदनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जाएँ वाली। निगेटिव ऊर्जा देने वाली चीज़ों को खरीदने से बचिए। अब खरीदारी के लिए जब आप जाते हैं तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर में मिलते हैं, तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज हम आपको कुछ खास बताएंगे कि धनतेरस के दिन क्या लाना बहुत आवश्यक होता है। पहला होता है मिट्टी का दिया। मिट्टी के दिए के बिना दिवाली कैसी? तो जो मिट्टी का दिया है इसको आप धनतेरस के दिन ही ले आएँ, और इसी दिए से प्रयोग आप 5 दिनों तक करें। दीपावली पर भी नया दीपक जलाएं। इसके साथ ही आपको धनिया लाना चाहिए। धनिया लाइए और इसको धनतेरस के दिन पानी में भिगो कर रख दें और दीपावली के दिन बो दें, या धनतेरस की शाम में भी आप बो सकते हैं। इसको 3-4 दिन लगातार बोते रहिए। ऐसा करने से जितना ज़्यादा धनिया का पौधा हरा भरा और मोटा सा निकलेगा, उतना ही ज़्यादा पूरा साल धन आएगा। अगर पतला सा पीलापन लिए धनिया का पौधा निकलता है तो ये लोग देखते हैं इसलिए हैं कि पता नहीं ये साल कैसा जाएगा, तो पहले ही पता चल जाता है कि आपका पूरा साल कैसा जाएगा, माँ लक्ष्मी कितनी मेहरबान है। और इस दिन चूँकि धातु की खरीदारी होती है, यानी सोने चांदी के सिक्के, गहने, गाड़ी, भूमि, क्योंकि जो भी आज के दिन धनतेरस के दिन खरीदा जाएगा वो आपको 13 गुना ज़्यादा फल देगा, और लंबे समय तक इस दिन खरीदा गया सामान आपका साथ निभाता है। लाल गुंजा, जो माँ लक्ष्मी की पूजा में आवश्यक होता है, ये तांत्रिक प्रयोग है धन की मुश्किलों से बचाने के लिए और धन बढ़ाने के लिए। तो धनतेरस या दीपावली पर कुछ खास चीज़ें अगर लाई जाए तो सुख समृद्धि बढ़ती है। पर धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू लेकर आते हैं, ये झाड़ू आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है, और इस झाड़ू से ही आपको झाड़ू घर में लगाना है। पुराना झाड़ू मत फेंकिएगा, धनतेरस का दिन है तो फेंक दिए। इस पुराना झाड़ू को दीपावली के अगले दिन फेंका जाता है अर्ली मॉर्निंग में, तो उसके बारे में भी हम आपको विधि बताएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है माँ लक्ष्मी का चरण चिन्ह। वैसे तो आप खुद से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो चावल को भिगो कर पीस कर उसके घोल से बना सकते हैं उनका चरण चिन्ह। ऐसा बनाइएगा कि घर में प्रवेश कर रहा है, बाहर निकलते हुए मत बनाइएगा वरना लक्ष्मी चली जाएगी। तो ये चरण चिन्ह सिर्फ आपको धनतेरस नहीं, दीपावली को भी बनाना है। आप चाहें तो रेडीमेड भी आप ला सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप चाहें तो स्फटिक का श्रीयंत्र ला सकते हैं, या फिर आप धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन भी ले आइए, और इस श्रीयंत्र को जो अंग बना हुआ है, इस श्रीयंत्र को आप अपने घर के पूजा स्थान पर रख कर इसकी नियमित पूजा करें तो धन की बरकत होती है। और तीसरी वस्तु क्या है, देखिए तीसरी वस्तु है कुबेर महाराज की तस्वीर। आपके घर में है तो लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुबेर महाराज जो है वो धन के देवता हैं और धनतेरस के दिन इनकी पूजा होती है। तो कुबेर महाराज और धनवंतरी दोनों की पूजा धनतेरस के दिन होती है, तो इस दिन आपको लाना चाहिए और पूजा भी उनका देर शाम में करना चाहिए। चौथी वस्तु है शंख। अगर आपके घर में शंख पहले से है तो लाने की आवश्यकता नहीं है। शंख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा में विशेष महत्व रखता है, और अगर आपको दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो ये सर्वोत्तम होगा। दक्षिणावर्ती शंख बजाया नहीं जाता, बल्कि इसको स्थापित किया जाता है और इसकी पूजा की जाती है।
इसमें चावल भरकर रखे जाते हैं, बिल्कुल साबुत चावल, और चावल को एक एक करके माँ लक्ष्मी के मंत्र बोलते हुए उसमें डाला जाता है। वैसे आप जो शंख बजाया जाता है पूजा में, बाम बरती शंख, उसको भी आप ला सकते हैं, और नियमित रूप से इसी शंख का प्रयोग आप सुबह शाम पूजा पाठ में कर सकते हैं। वैसे तो मोती शंख भी आप ला सकते हैं, हालांकि ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन दिखने में खूबसूरत होता है। अगर आप मोती शंख लाकर अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं, स्थापित करके चावल डालकर सफ़ेद कपड़े में बांधकर, तो धन स्थिर हो जाता है। तो मोती शंख संभव हो तो लाकर आप भी धन को स्थिर कर सकते हैं। तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति ले आइएगा, जो आप दीपावली के दिन पूजा करेंगे। अगर आपके घर में धातु की प्रतिमा है, पारद की प्रतिमा है, तो फिर लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप मिट्टी का हर साल चेंज करते हैं, हर वर्ष, तो आप धनतेरस के दिन ही गणेश जी महाराज और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आइएगा। तो अगली वस्तु है कौड़ी। लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई हैं और कौड़ी भी समुद्र में मिलता है, इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा में पीली कौड़ियाँ रखने की परंपरा है। वैसे आप सफ़ेद, आपको पीला कौड़ी ना मिले तो सफ़ेद कौड़ी को हल्का सा हल्दी से कलर करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पीला ही कौड़ी आप कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही आपको चाहिए कमल गट्टा। अब माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प पसंद है, तो कमल का पुष्प का जो बीज होता है, कमल गट्टा जिसको कहते हैं, इसकी माला भी बनती है। संभव हो तो कमल गट्टे की माला से आप माँ लक्ष्मी का मंत्र जप कर सकते हैं, नहीं तो उनकी पूजा में कम से कम 5 कमल गट्टा जरूर अर्पित करें। तो कमल गट्टा का प्रयोग से भी धन की मुश्किलें समाप्त होती है। लाल गुंजा और गोमती चक्र, ये सभी वस्तुएं भी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो उनकी पूजा में आवश्यकता होती है। वैसे तो धनिया और धनिया के साथ आप हल्दी की, पीली हल्दी की साबुत गांठ भी ले आइएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में हल्दी की गांठ की आवश्यकता होती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति से सीधा संबंध है, तो धन को स्थिर करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। लघु नारियल, ये छोटा नारियल है, ये आम नारियल से छोटा होता है, और इस नारियल को श्रीफल कहते हैं, यानी देवी लक्ष्मी का ही फल है, तो इसको आप लाना मत भूलिएगा। वैसे लघु नारियल अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, आप साबुत नारियल तो लेकर आएंगे ही, पानी वाला नारियल, लेकिन जो फल आपको ज़रूर लाना चाहिए इस धनतेरस पर, उसको कहते हैं सिंघाड़ा। आपने देखा होगा पानी वाला सिंघाड़ा, ये पानी में होता है, तो इसको आप जरूर लाइए और माँ लक्ष्मी की पूजा में इसको भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ खाइए, पर धनतेरस के दिन ही ये फल लाना है। और जब आप इस फल को ले आते हैं तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, क्योंकि इस फल को भी श्रीफल कहते हैं, और ये पानी वाला सिंघाड़ा जो होता है वो माँ लक्ष्मी का फल है, तो आप इस फल को ले आए। तो देवी लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? जहाँ सुकून हो, शांति हो, सुख हो, खुशियाँ हो। इसलिए आप अन्य दिनों में आप कैसे रहते हैं ये आप जानिए, लेकिन जब आप धनतेरस से लेकर जो पंच महापर्व है भैया दूज तक, पूरे घर में शांति बनाए रखें, शांत रहें, झगड़े लड़ाई विवाद से दूर रहें, खुश रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में जो स्थिरता है वो बढ़ेगी, जो शांति है, सुकून है, वो बढ़ेगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। और गन्ना, जिसे हम इख कहते हैं, गन्ना माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो एरावत है, एरावत को गन्ना प्रिय है, और जब एरावत प्रसन्न है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न है। इसलिए पूजा में गन्ना लाकर आप जरूर रखिएगा, धनतेरस के दिन ले आइए और लक्ष्मी पूजा में इसका प्रयोग कीजिए। और ये जो गन्ना है ये जीवन में खुशियाँ बढ़ाता है। पर अनार, जिसको हम बेदाना भी कहते हैं, अगर एक भी आपको मिल जाए तो लाकर लक्ष्मी जी की पूजा में इसको अर्पित जरूर कर दीजिएगा। अनार अर्पित करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन की मुश्किलें दूर होती है, टोने टोटके समाप्त होते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं, हर हर महादेव।